नमस्कार, आप सबका स्वागत है BN24 में और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। दोस्तों, एक मामला सामने आया है गांव जयसिंहपुरा से, जहां पर एक डॉक्टर कोरोना के नाम पर मरीज के साथ लूट कर रहा है। गांव जयसिंहपुरा निवासी दर्शन सिंह ने बताया कि उनके पिता अचानक बीमार हो जाते हैं और इलाज के लिए वो असंध के एक हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, और जैसे ही एडमिट कराते हैं तो करीब 3 दिन के अंदर वो 70,000 रुपये जमा करा चुके होते हैं, और 14 तारीख को करीब 10 बजे उनके पिता की मौत हो जाती है। और मौत के बाद जब वो डॉक्यूमेंट लेने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर उनसे 70,000 रुपये की और मांग करता है, और जब वो डॉक्यूमेंट नहीं मिलते तो आरोप लगाते हैं कि हमारे साथ उन्होंने बदतमीजी की है, और डॉक्टर उनको धमकाकर वहाँ से भगा देता है कि आप जहाँ मर्जी जाना, जो मर्जी करना। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दर्शन सिंह गांव जयसिंहपुरा से, उनसे ही जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। BN24 में नमस्कार जी। सर, आप हमें बताएंगे कि क्या पूरा मामला है हाँ जी, और बिल्कुल। कैसे क्या हुआ था। मेरे पिताजी अचानक बीमार हुए थे जी, जो 11 तारीख को रात को 10 बजे। क्या नाम है आपका जगह, मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश, कहाँ से। जयसिंहपुरा से जी। जयसिंहपुरा से हाँ जी, मैं उसका लड़का हूँ जी। जी। अच्छा जी, मैं वहाँ से जल्दबाजी में उठा करके सत्यम हॉस्पिटल में लेकर आए असंद असंध। जी। अच्छा, मैंने कहा ये देखो भाई, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो उसने मेरे को एडमिट कर लिया। मैंने बोला सवेरे, भाई ये क्या है, मामला है। वो कहने लगे ये कोरोना अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोरोना है। हाँ, पॉजिटिव ये है। कोरोना पॉजिटिव है 100 किशोर। मैंने चेक करवा दिया, दिल्ली से रिपोर्ट आएगी। माँ ठीक है जी। तो मैंने बोला भाई ये तो, वो बोला अंदर नहीं जाना। मैंने मेरे को उसने 2 दिन अंदर नहीं जा घुसने दिया, बोला अंदर जाने कोरोना, से मना कर मना कर दिया दिया जी। मैं बाहर रहता था जी, जी। तो उसको बोला कोई दिक्कत नहीं, हम सारा ट्रीटमेंट ठीक चला अब रहे हैं। 11 तारीख को करीब रात को 10 बजे, 10 बजे 10 बजे जी। और जी फिर 14 तारीख को पूरा हो जाता है जी, रात अच्छा, को। 11 और 14 के बीच में आपने कितने पैसे डॉक्टर को दिए मैंने हैं। डॉक्टर को जी हर रोज़ 20,000 रुपये सवेरे 10 और 11 के बीच में जमा करवाता था, सवेरे हर रोज़। हर रोज हाँ जी, 60,000 रुपये डॉक्टर को, और 10,000 रुपये प्लस टेस्टों के, और जी जो सीटी स्कैन करवाया, और जो जी ये थोड़ी दवाई बाहर से मंगाई ना, जो स्टोर से दवाई दो लेके, द्वार से, मतलब 10,000 वो खर्चा मेरा, टोटल सत्तर करीब हज़ार सत्तर रुपये हजार रुपये हो हाँ गया जी आपका टोटल जी। मोटा मोटा खर्चा हाँ जी, पानी मोटा। का। हाँ, उसके बाद 14 तारीख को रात को 10 और 11 के बीच में, मतलब, वो पूरे हो जाते और हैं। डॉक्टर बोला ये पूरा हो गया और अपने घर। अच्छा मैंने बोला डॉक्टर को, माँ भाई मैंने कुछ आपका लेना देना, बोला नहीं कुछ नहीं लेना देना, तू डेड बॉडी ले जा और अपना सवेरे संस्कार कर दियो। उसके बाद जी मैं 17 जून को उसके हॉस्पिटल में आया दोबारा, करीब 3 दिन बाद, नहीं 17 जून को, यानी 14 को गए थे आप। वो मई थी जी, अच्छा वो मई थी। अच्छा क्योंकि हमारे परिवार में मेरे अंकल जी बीमार थे, सीरियस अच्छा पीजीआई अच्छा एडमिट थे। ठीक उसके है। बाद वो मेरे पिताजी के बाद वो 20 दिन के बाद एक्सपायर हो गए। हम उस धंधे में उलझ गए, मैं आने नहीं पाया। ठीक है तो ठीक है 17 जून को मैं उसके हॉस्पिटल में एक भाई को साथ में लेके आया। ठीक है। माँ भाई चल डॉक्टर से डॉक्यूमेंट लिया। वहाँ तो मैंने बोला माँ डॉक्टर साहब मेरे पिताजी के जो डॉक्यूमेंट हैं, जो है फाइल फूल मेरे को दे दे। तो उसने कहा भाई 70,000 रुपये बकाया। मैंने बोला डॉक्टर साहब 70,000 किस चीज़ के, मैंने 70 तो पहले दे दिया, आपने जो मेरे पे डील लगाई थी हर रोज़ के 20,000 वो मैंने जमा करा दिए, और जो टेस्टों के वो मैंने अलग से दे दिए। बोला नहीं 70 और बनते हैं तेरे, 70,000 हो रहा है तेरे का नहीं बकाया। दर्शन तो जी, आपकी बात यहाँ रोक रहा हूँ। जैसे कि अब बता रहे हैं कि 70,000 रुपया डॉक्टर उनके खिलाफ बकाया निकाल रहे थे, जब हमने डॉक्टर से बात की इस मामले में तो एक बात निकल के सामने आ रही है कि आप उनसे बिल करीब 1 या 80 के बीच में बनवा रहे थे, ऐसा कुछ है। बिल्कुल नहीं एक है लाख जी, अस्सी पहले हजार के करीब तो ये एक मैंने बिल की जरूरत नहीं जी जी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में नहीं हूँ, मैं मुलाजिम नहीं हूँ, मैं एक मजदूरी करने वाला आदमी हूँ जी। दिहाड़ी करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, अपना पेट गुजारा कर रहा हूँ, अपने डंगर रखता हूँ, दूध बेचता हूँ जी अपना गाँव में। तो मेरे को जरूरत नहीं है सिर्फ वो, तो डॉक्यूमेंट ऐसे था बूढ़े के, कुछ जुकुर मकान है, कुछ थोड़ी ज़मीन है, वो नाम थी भाई। कल ना कहीं जरूरत पड़ जाए तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट भाई काम आ सरकार या कोई सके। सुविधा देने बिल्कुल, वो लग काम आ जाए, सके सरकार कोई अपने। सुविधा देती है, कल ना कागजात मांगेगी तो मैं सरकार के समक्ष अपने कागजात देकर मैं कोई सहायता ले सकूँ। मैंने इसलिए जरूरत थी, और ना मैंने बिलों की जरूरत है जी, ना मैंने 1,80,000 का मांगा। मैंने ये जरूर कहा था मैंने 60,000 रुपये तेरे पास जमा करा, मेरे को 60 का ही बना के दे दे। जब डॉक्टर ने आपको बाहर निकाल दिया तो उसके बाद आपने क्या किया। मैंने उसके बाद जी अगले दिन, तीसरे दिन SP साहब गंगाराम पुनिया जी यहाँ असंध आए हुए थाने पे थे। आए हुए थे। मैंने उससे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी मेरे को मौका दो जी। उन्होंने मेरे को मौका दिया और मेरी एप्लीकेशन ली और मेरी बात पूरी गौर से सुनी, और SHO को बोलिया अगर भाई इसका इस
इस केस का पूरा वो कर जांच के आदेश दे दिए, के आदेश दे गया जी। तो अब आगे की कार्रवाई आपकी, आगे की कार्रवाई है जी, मैंने सीएम इंडो में भी और मुख्यमंत्री के और अनिल भी स्वास्थ्य मंत्री का भी और डीसी साहब का भी मैंने एप्लीकेशन डाल दिया जी। अच्छा एक बात और सामने आई है डॉक्टर साहब से बात करने के बाद कि वो कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं, या कोरोना का उनका इलाज ही नहीं चल रहा था मेरे पास। ऐसे है जी, मेरे पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट को मैं बाहर निकाल के ले सकता हूँ और मैं उसकी फोटो कॉपी भी ले रहा हूँ और मैं उसको आपको दे भी सकता हूँ अभी निकाल के उसकी आप। अच्छा चलो, वो जांच का विषय है जो भी है। हाँ, वो जांच का विषय मेरे पास एक विकल्प है, वो कह रहा है कि कोरोना नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोरोना पॉजिटिव था क्योंकि मेरे पास सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, उसके अंदर 19% संक्रमण कोरोना और निमोनिया उसके अंदर बकायदा डॉक्टर ने कंप्यूटर से रिपोर्ट निकाल के मेरे को दे रखी और मैंने उसको किसी पढ़े लिखा आप जैसे को पढ़ाया और उसने मेरे को हिंदी में समझाया है भले ये इसके अंदर दे रखा जी, और सीटी स्कैन की रिपोर्ट मेरे घर पर रखी हुई है। तो अब आपको इंसाफ की गुहार है, आप इंसाफ की गुहार है और मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती है मेरे को न्याय दिलवाएगी सरकार ये, और बहुत ही अच्छी सरकार है बीजेपी। तो दर्शक साथियों, आप सब ने सुना कि किस तरह से एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है। डॉक्टर साहब से मुलाकात भी कराएंगे कि इस मामले को लेकर डॉक्टर साहब ने क्या कहा है। कल एक मामला सामने आया था जिसमें सत्यम हॉस्पिटल के द्वारा एक कोरोना मरीज का इलाज किया गया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और उसके एवज में पैसे मांगे गए। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ लाइव हैं, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला था, कब वो एडमिट हुए, क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे या नहीं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। सर मैं डॉक्टर नरेंद्र सत्यम हॉस्पिटल से। सर ये मामला जयसिंहपुरा का है जो 11 तारीख को शाम को आते हैं 9 बजे ओम प्रकाश जी श्री चतर सिंह, ठीक है जी। ये उस टाइम अनकॉन्सी था, बेहोश था, बेहोश की ऑक्सीजन बहुत कम थी, बेहोशी के कारण एक्सपायर कर चुका था, ठीक है जी। उसके बाद वेंटिलेटर पर डाला जाता है, ये वेंटिलेटर के बाद इसके थोड़ी प्रोग्रेस हो जाती है, पर 15 तारीख को रात को 1 बजे ये एक्सपायर हो जाता है। उस टाइम मरीज के साथ वालों को बिल टोटल बिल कितना बनता है मैं भी जयसिंहपुर का हूँ, पर गांव के नाते एक उसके कारण मैं ये कहता हूँ भी आप मरीज ले जाओ, जो भी आपका बैलेंस है ये है। वो कहते हैं जी 2 दिन में 3 दिन में आपका जो भी बैलेंस बनता है बकाया है वो आपको दे देंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं आप दे जाना। कुछ टाइम बाद वो आते हैं, कहते हैं जी आपका कितना बैलेंस है, मैं बताता हूँ कि 1,00,000 कुछ है। वो कुछ कम करवा देते हैं, कहते हैं जी 60 हमने दे दिए और 30 आपके 30 और दे देंगे। मैंने कहा जी कोई बात नहीं आप 30 और दे देना। कुछ टाइम बाद फिर आते हैं, वो कहते हैं जी आप है ना सुरेश कुमार है इनका लड़का था, वो कहते हैं जी आप 1,80,000 का बिल बना दो और मेरा तो गवर्नमेंट सरकार ने पैसा देना है। मैं कहा भाई मैं ऐसा गलत काम नहीं करता, जितने पैसे आपका 90,000 का बिल है 90,000 आप दे। फिर मुझे धमकी देते हैं, दो कहीं से प्रेशर डलवाते हैं, ठीक है मैं फिर भी मना कर देता हूँ। फिर आके कहते हैं दर्शन और सुरेश दोनों आते हैं, कहते हैं जी आपकी दरखास्त देंगे हम और प्रेस में रिपोर्ट करेंगे, सब काफ़ी कुछ कह के चले जाते हैं, हॉस्पिटल बंद करवाएंगे। मैंने कहा जी मैं हाथ जोड़ के ये कहता था भाई ठीक है भाई जो करना है, बाकी 90,000 का बिल है मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, 60,000 रुपये जमा है, 30,000 बकाया है, 60,000 का फिर भी मैं अभी भी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। और कल मेरी रिपोर्ट दी है इन्होंने थाने में 19 तारीख को, तो वहाँ भी मेरे बयान हुए हैं, मैंने वहाँ भी यही बयान दिए पर वो निर्दोष है, वहाँ कुछ नहीं बताया गया, ठीक है जी। और ना ये कोविड पेशेंट था, इसको ब्रेन हैमरेज हुआ था, ये मेरे पास सारी रिपोर्टें हैं इसमें फाइल में, सीटी हेड और सीटी हेड भी है जिसमें इन ब्रेन हैमरेज की रिपोर्ट आई है, ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब जो लोग इस तरह से गुमराह करते हैं तो इनके बारे में आप क्या कहोगे कि उनकी मानसिकता क्या है इसके पीछे। सर ऐसे लोग पैसे के लिए करते हैं और मैं तो ये प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनके प्रति आप जांच की जाए, मेरे प्रति भी उनके प्रति भी, जो दोषी पाया जाए उसके वो अपराधी मान के उनको सजा दी जाए।